अस्सलाम वालेकुम जी, जल्दी जल्दी बात करेंगे। कहानी कुछ ऐसे है कि टोटल प्रीमियर लीग तो स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन टीम्स ने हलचल करना स्टार्ट कर दिया। लोग प्लेयर्स हायर करना स्टार्ट कर रही हैं, अपने ट्रेनिंग सेशन में नए नए प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रिपल ए में कुछ लड़के दिखाई दिए हैं, जिशान 18 में इसी तरह जवाद, और कुछ लोगों ने तो स्पॉन्सर पकड़ना शुरू कर दिए। और टीम बोन ब्रेकर जो है, बासित जो हैं, जिन उनके जो कप्तान हैं, उन्होंने टीम सिल्वर सिटी से कोई साइन किया है। मेरे ख्याल में जो बोन ब्रेकर है वो सारी की सारी टीम सिल्वर सिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी डील होगी। एक और स्पॉन्सर टीम प्रीमियर लीग में उतर जाएगी, दो ऑलरेडी हैं, तीसरी ये आ जाएगी। गैरिसन का भी लास्ट टाइम था इस बार स्पॉन्सर, लेकिन इस बार का पता नहीं कि क्या स्टोरी है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में कोई ना कोई स्पॉन्सर पकड़ लेंगे। पीछे बेस लाइन बची, बेस लाइन का भी लास्ट टाइम कोई स्पॉन्सर था, और इस बार देखते हैं कौन स्पॉन्सर करता है इनको। और जो प्लेयर्स की बात की जाए, प्लेयर्स जवाद 18 के ट्रेनिंग सेशन में नज़र आया है, जिशान ट्रिपल ए की ट्रेनिंग सेशन में नज़र आया है। अब क्या आगे सीन होना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मतलब नज़र, ये मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन अंदर की बात अभी क्या पता। बस फिलहाल ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बात हो रही है। फिर उसके बाद टीम सिल्वर सिटी की ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, उसमें राजा आदिल रेशो दिखाई दे रहे हैं, ट्रॉल के प्लेयर्स, लेकिन अब उधर क्या हो रहा है, उधर क्या खिचड़ी बन रही है, उधर कभी नहीं पता। और फिर उसके बाद जो हमारे जो बाकी टीम्स हैं, ट्रॉल एफ सी, उसका पता नहीं क्या होगा। दो प्लेयर्स मेन उनके चले गए, लेकिन पीछे, लेकिन फिर भी है कि टीम खड़ी होगी, टीम खेलेगी, अच्छी टीम है ट्रॉल एफसी भी। और दूसरी बात, जो हमारी स्मर्व्स एफसी के पास दो स्लॉट्स हैं, स्मर्व्स एफसी के पास दो स्लॉट हैं, अभी भी सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्टेड हैं वो स्लॉट सेल करने में। एक वो चाह रहे हैं कि हम स्लॉट एक सेल कर दें, क्योंकि उन्होंने बी डिवीजन लीग में एक स्लॉट लिया है मेरे ख्याल में किसी टीम से, जहाँ तक मुझे अभी तक खबर है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। क्या पता लिया है कि नहीं लिया कंफर्म, लेकिन मेरी बात पे यकीन मत कीजिएगा। लेकिन आपने अगर स्लॉट लेना है तो मेरे ख्याल में हाशिम लोगों, हमजा वासी वगैरह से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है प्रीमियर लीग के स्लॉट लेने के लिए और प्रीमियर लीग के मज़े लेने के लिए। और दूसरी चीज़ जो है, बाकी जो हमारी टीम है, बेस लाइन में अकील जा चुके हैं, गैरिसन में दानियाल दानिश जा चुके हैं, लेकिन दानियाल दानिश वाकई ही खेलेंगे गैरिसन एफसी में, या फिर वो खेलेंगे टीम के याद में, क्योंकि क्याद के स्पॉन्स बोर्ड्स मैंने वापस देखे हैं, क्याद फिर एक्टिव हुआ हुआ है काफ़ी। तो टीम के याद ने अगर अपना प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट किया, जो उन्होंने टीम के याद टीम एक बनाई थी, अगर वो वापस उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल में सैलरीज भी आएंगी फिर, मतलब और एक पाँचवीं टीम भी स्पॉन्सर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो वो टीम फिर उधर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनको वापस ऑफ़र की जाएगी, तो आगे क्या कहानी होती है कोई पता नहीं, लेकिन मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ। और जो इशू आने वाला है वो इन प्लेयर्स का इशू आएगा सुपर कप में, जो अभी ट्रांसफ़र ले गए या चेंज अपना टीम चेंज कर चुके हैं। दानियाल दानिश के लिए तो इशू होगा, अकील के लिए इशू होगा, क्योंकि ये बेसिकली गैरिसन, अकील जो था गैरिसन में खेल रहा था सुपर कप के लिए, लेकिन वो सुपर कप में अगर खेलना चाहता है तो वो फिर गैरिसन से खेलेगा। इसी तरह दानियाल दानिश जो हैं वो टीम के हाथ से खेलेंगे, जो स्मर्स की प्रीमियर लीग में टीम थी उसमें खेलेंगे। फिर इसी तरह फरदीन हैं, वो टीम के हाथ से खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने टीम के हाथ को रिप्रेजेंट किया था। और रेड डेविल्स के कुछ बॉयज़ हैं, और हसन जेब साहब हैं, जो रेड डेविल्स से खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बाकी पिंडी इस्लामाबाद की हर टीम से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ रेड डेविल्स में, ऐसा क्या हुआ कि हसन जेब बाकी सबकी टीम में नज़र आते हैं लेकिन अपनी टीम में नज़र नहीं आते डेविल्स से खेलते हुए? और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए, ख़ुद सरप्राइज़ है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये क्या अंदर ऐसी क्या कहानी हुई है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे टीम सिल्वर सिटी की, उन्होंने अपने बोन ब्रेकर्स के जो लड़के थे वो सारे उधर लिए हैं, साथ उनके कुछ और लड़के इन्होंने ऐड ऑन किए हैं, अदरीस एक और लड़का है, मुझे उनके नाम नहीं आते एक्चुअली, और आदिल, राजा आदिल और रेशो को ऐड किया है। तो अब देखें ये टीम क्या परफॉर्मेंस देती है, और कुछ लड़के भी ऐड कर सकते हैं, किसी और को भी ऑफ़र कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बोका के बॉयज़ को ऑफ़र की जा सकती है, वो अभी तक प्लेयर्स किसी टीम में मुझे खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनके अगर पीनी, इंजमाम, इंजी, वो लड़के जो हैं, चीता का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, मुझे चीता के नाम से उस लड़के की शक्ल और गेम याद है, वो लड़का
काफ़ी अच्छी गेम है उनकी, अगर उन लड़कों को भी उठा लेगा तो, उठाने का मतलब एक साइन कर लेगा, उठा के नहीं लेके जाना, लेकिन मेरी कुछ बातों का लोग गलत मतलब ले लेते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उठाने का मतलब ये कि साइन कर लेता है, अपनी टीम में खिलाता है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो इन प्लेयर्स में नज़र है, अगर किसी को कोई परेशान है ज़्यादा, जिस तरह टी के एफ सी काफ़ी परेशान है, उनके प्लेयर्स दो शहरी और तल्ला भी छोड़ के चले गए टी के एफ सी, टी के एफ सी के पास स्लॉट्स काफ़ी खाली हैं, जो प्लेयर्स खेलना चाहते हैं प्रीमियर लीग टी के एफ सी से रब्ता करें, अब्दुल्ला हसन से, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, आप उनसे रब्ता करें और उनकी टीम में खेलें, वो प्रीमियर लीग खेल रही हैं इस बार। और मुझे जो है आज का एक सवाल है कि प्रीमियर लीग में इस बार रेलीगेट कौन सी टीम होंगी, दो टीमें जो रेलीगेट होंगी, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, डीएम करें और कमेंट मत कीजिएगा, वरना आपके कोई दोस्त होगा तो वरना वो नाराज़ हो जाएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, जितने ज़्यादा मैसेज आएंगे तो फिर हम उतने ही नंबर्स उसको निकाल के अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इतने वोट आए हैं इस टीम के ख़िलाफ़। तो ठीक है सर, तो आपने मैसेज ज़रूर करना है, इंस्टाग्राम के फलकिना प्लानर्स के पेज पे भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और आपने वीडियो पूरी देखनी है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, अगर नहीं दबाएंगे तो मेरा नेक्स्ट इवेंट कहीं भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मैच की तो आप लोगों को नहीं विजिबल होती, फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारी आपकी वीडियो हमें विजिबल नहीं है, कहाँ आप लाइव कर रहे हैं यूट्यूब में, बेल आइकन को दबा के रखें, जैसे ही मैं लाइव किसी भी जगह भी करता हूँ तो फ़ौरन आपको वीडियो का ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट उस वीडियो को क्लिक करके देख सकेंगे मैं कहाँ पे कौन सा टूर्नामेंट लाइव कर रहा हूँ। तो होपफुली शायद कोई टूर्नामेंट आने वाला है जो मैं लाइव करूँगा बहुत जल्दी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं है कुछ, जैसे ऑफिशियल कुछ होगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा अपने पेज पर। अल्लाह हाफिज़, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, अगर और भी बातें आप लोगों को पता है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर बताऊँगा लोगों को, और डरने शरने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह हाफिज़।